हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब? हमेशा खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। आज मैं आपके साथ वर्मी सीली यानी कि जो सेवैयाँ होती हैं उनके कस्टर्ड की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, और वो भी बिना किसी कस्टर्ड पाउडर के। तो आप अपनी मनपसंद का कोई भी फ्लेवर, वनीला, स्ट्रॉबेरी, पाइनएप्पल, चुटकियों में बना सकते हैं घर पर। और इसमें मैंने अच्छे खासे फ्रूट्स का यूज़ किया है, तो मज़ेदार टेस्टी डेजर्ट। गर्मियों में तो मज़ा ही आ जाता है और पूरे सीज़न आप इंजॉय कर सकते हैं। तो आइए मिलके बनाते हैं। तो सेवई वाला कस्टर्ड बनाने के लिए ये देखिए, मैंने एक पैन लिया है और इसमें मैं, आप सोचिए, लगभग बस 1/4 TSP घी ऐड कर रही हूँ। और ये मेरे पास सेवई है तो ये मैं आधा कप के करीब लिया है मैंने, और इसको हम मीडियम फ्लेम पे रोस्ट कर लेंगे थोड़ा। ये देखिए, अच्छे से ये रोस्ट हो गई है, गोल्डन ब्राउन इसका कलर हो गया है। तो अब हम इसमें 1 लीटर दूध ऐड करेंगे। ये दूध गर्म ही दूध है थोड़ा मेरा, और इसको हम मिक्स कर लेंगे। और इसे अब मैं लगभग 7 से 8 मिनट ऐसे ही पकाऊंगी और बीच बीच में चलाती रहूंगी इसे। ये देखिए, इसको पकते हुए 7-8 मिनट हो चुके हैं और बीच बीच में मैंने इसको लगातार चलाया है ताकि ये जले ना। और ये देखिए, वर्मीसीली हमारी एकदम कुक हो गई है। तो हमें इसमें दूध को गाढ़ा नहीं करना है, सिर्फ वर्मीसीली को हमें, यानी कि जो सिवई है उसे ही सिर्फ हमें पकाना था। तो वो पक चुकी है। तो अब हम इसमें जो बिना कस्टर्ड पाउडर के मैं आज सिवई कस्टर्ड बनाने वाली हूँ, तो ये देखिए, मैंने ये 2 चम्मच कॉर्नफ्लावर लिया है, जो कॉर्न स्टार्च होता है नॉर्मल, और इसमें मैं 1/4 कप चीनी ऐड कर रही हूँ। तो वैसे तो कॉर्नफ्लोर को या कस्टर्ड पाउडर को हम दूध में घोल के डालते हैं, लेकिन ये मेरा तरीका है। इससे आप बना के देखिएगा, इसमें बिल्कुल भी इसमें लम्स नहीं आएंगे। तो ये देखिए, मिक्स हो गया है। और अब हम स्लो फ्लेम करते हुए इसको मैं इसमें हिलाते हुए ऐड कर दूंगी। और इसको बॉयल आने देते हैं। ये देखिए, इसमें अच्छा सा बॉयल आ गया है, तो यही हमें चाहिए था बिल्कुल, और यही टेक्सचर हमें चाहिए। इसको हमें बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना है, क्योंकि जब हम इसे ठंडा करेंगे तो ये और ज़्यादा गाढ़ा हो जाता है। तो एकदम परफेक्ट टेक्सचर है ये देखिए। और ये मैंने बोला, अब हम इसमें जो भी हमें फ्लेवर का हमें कस्टर्ड बनाना है, तो अब हम इसमें फ्लेवर ऐड करेंगे। गैस हम बंद कर देते हैं। और ये देखिए, तो मैं वनीला फ्लेवर का बना रही हूँ, तो मैं इसमें येलो कलर ऐड करूँगी। अगर आप पाइनएप्पल फ्लेवर का बना रहे हैं तो पाइनएप्पल के लिए भी येलो कलर। तो ये देखिए, फूड कलर है, तो बढ़िया सा कलर इससे आ जाता है। तो आप बिल्कुल, अगर आपके पास कस्टर्ड पाउडर नहीं है, तो आराम से कॉर्नफ्लावर और अपनी पसंद के एसेंस और फ्लेवर डाल के आप कोई भी टाइप का कस्टर्ड बना सकते हैं। और ये मैं इसमें वनीला एसेंस ऐड कर रही हूँ, तो लगभग 1/2 TSP। इसको मिक्स कर लेते हैं और अब मैं इसको ठंडा होने के लिए रख दूँगी। तो देखिए, इसे मैंने एक बाउल में निकाल लिया है और अब हम इसे कम से कम 2 घंटे के लिए अच्छे से ठंडा कर लेंगे। और चलिए, इसको फ्रिज में रख देते हैं। तो ये देखिए, इसको रखे हुए 2 से 2.5 घंटे हो गए हैं, एकदम परफेक्ट ये चिल्ड हो गया है। तो आइए इसको सर्विंग डिश में निकालते हैं अपनी। तो ये मेरे पास ग्लासेस हैं, तो इसको मैंने थोड़ा रूह अफ़ज़ा से डेकोरेट करके फ्रीज़र में रख लिया था। तो चलिए, इसमें सबसे पहले मैं 1-1 चम्मच सब्जा यानी कि जो चिया सीड होता है उसके सीड्स डाल रही हूँ। इसको मैंने 2 चम्मच लेके पानी में भिगा लिया था, 3 से 4 चम्मच टेबल स्पून में। तो ये देखिए, इस टाइप से हो जाता है ये, अगर आपको दिख पा रहा हो, ये देखिए, हाँ, इस टाइप से ही हो जाता है। तो इसको मैंने डाला है और अब मैं इसमें थोड़ा सा रूह अफ़ज़ा ऐड करूँगी, तो बहुत अच्छा फ्लेवर आता है रूह अफ़ज़ा और वनीला का साथ साथ। तो लगभग 1 TSP मैं इसमें रूह अफ़ज़ा ऐड कर रही हूँ सब्जा के बीजों में ही। और इसके बाद हम इसमें अपना कस्टर्ड डालेंगे, सेवई कस्टर्ड जो हमने बनाया है विदाउट कस्टर्ड पाउडर।
अब मैं इसमें मैंगो ऐड कर रही हूँ, तो आप अपनी पसंद के कोई भी फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं। आजकल मैंगो अच्छा मिल रहा है। इसमें मैं फिर से सेवई कस्टर्ड ऐड करूँगी थोड़ा। बहुत ही स्वादिष्ट ये सेवई कस्टर्ड बनके रेडी होता है, क्योंकि हम इसमें फ्रूट, सेवई और कस्टर्ड का जो फ्लेवर आता है वो ऐड करा है सारी चीज़ों का, तो बहुत ही स्वाद आता है, हेल्दी भी हो जाता है। ये मैंने इसमें केला ऐड किया है। देखिए देखने में ही लग रहा है ना, बहुत यमी। देखिए हमारा एकदम सेवई कस्टर्ड बनके रेडी है। तो इसे मैं ऊपर से अनार के दानों से डेकोरेट कर रही हूँ। ये मेरे पास ग्रेप्स हैं, तो आपके पास जो भी फ्रूट्स हों आप उनसे डेकोरेट कीजिएगा, अपनी पसंद के फ्रूट्स ऐड कीजिए, फ्लेवर ऐड कीजिए, अपनी चॉइस है। अगर हमें स्ट्रॉबेरी फ्लेवर का कस्टर्ड बनाना है तो हम स्ट्रॉबेरी एसेंस इसमें ऐड करेंगे और थोड़ा पिंक कलर, तो रेड को थोड़ा सा लेके वो पिंक हो जाता है। तो अपनी पसंद का आप कस्टर्ड बनाइए अपने फेवरेट फ्लेवर्स के साथ, फेवरेट फ्रूट्स के साथ। तो फ्रेंड्स आपको कैसी लगी ये रेसिपी? आपके व्यूज़ का मुझे हमेशा इंतज़ार रहता है। अच्छी लगी है तो मेरे पेज को लाइक करें, फॉलो करें। थैंक्स फॉर watching. Have a nice day.